निर्वाचित विधायक टंकराम वर्मा जी मौजूद है। वर्मा जी, सबसे पहला सवाल, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र को लेकर? सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? बलौदा विधानसभा में सबसे प्राथमिकता की ये है कि वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए और साथ में डीएड कॉलेज होना चाहिए। क्या है, अभी स्कूलों की संख्या, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, टीचरों की, तो उनके एक ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे डीएड होना चाहिए और वैसे ही नर्सिंग कॉलेज भी होना चाहिए। और हमारे बलौदा विधानसभा में तिल्दा भी आता है, तो तिल्दा में गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए और सुहेला में कॉलेज का भाव है। तो ऐसे जो चार पांच प्रमुख है, ये प्राथमिकता में है और इसको करना है। कौन सा वो मुद्दा था जिसको आपने उठाया और जनता ने उसको सिर आंखों पर बिठाया? ये 5 साल का जो कांग्रेस का सरकार का जो कार्यकाल रहा, बहुत ही माने विकास के नाम पर शून्य और लोगों को ठगा है, हर योजना के नाम पे ठगा है। और जनता को लगने लगा कि भूपेश बघेल ने हमको झूठा वादा खिलाफी करके सरकार में आया है, इस समय इसको सरकार से उतारना है। और हमारे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका पहुंच घर घर तक है, तो लोग प्रभावित हुए और उनको लगा कि हमारा प्रदेश का और देश का भविष्य यदि कोई चीज़ में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। मतलब मोदी की गारंटी पूरी काम कर गई आप लोग के लिए? पूरी काम कर गई मोदी की गारंटी, डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल की उपलब्धियाँ और भूपेश बघेल के 5 साल का जो उनका अत्याचार तानाशाही रवैया था, उससे लोग उब गए थे। इसलिए बोलते थे अब नहीं से वो बदल के रही, वो ये नारा बहुत काम किया है। बहुत धन्यवाद टंकराम जी। तो ये थे हमारे साथ बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक टंकराम वर्मा, जिनकी प्राथमिकताओं में सबसे पहला शिक्षा है और शिक्षा के लिए ये जो है वो काम करेंगे।